तो दोस्तों आज 10 से 12 दिन हो चुका है, जो बकरी की लीड जो मैंने प्रोसेस बताया था वो पूरा हो चुका है। वो नरम भी हो चुकी है और केंचुए को खाने लायक बन चुकी है। तो अब बताएंगे आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की रीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम बताने वाले हैं बकरी की लीड से वर्मी कंपोस्ट बनाने की रीत। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था बकरी की लीड जो है बहुत हार्ड होती है, उसको नरम बनाना पड़ता है। फिर हमने उसमें क्या किया, इस बकरी की लीड को पूरा मीठा बना दिया, जिससे केंचुआ बहुत तेज़ी से खाता है और अपना वर्मी कंपोस्ट जल्दी बन जाता है। साथ में केंचुओं की संख्या भी बहुत बढ़ती है। जो किसान भाई भेड़ पालन बकरी पालन करते हैं तो उसके लिए खास वीडियो है, वैसा आप वर्मी कंपोस्ट बना के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसका जो वर्मी कंपोस्ट है वो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर आप भी दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखना, पार्ट 1 करके मैंने बनाया है। ये आप देखेंगे तो उसमें पूरी रीत आपको बताई जाएगी, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो उसमें सारी प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरी चैनल पे पहले बार आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और साथ में वीडियो भी शेयर कर देना। तो दोस्तों प्लास्टिक बिछाने पहले उसके अंदर चींटी पाउडर डाल लेना, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी चींटी आ जाएगी, फिर उस पर हमारा चींटी चलाएगा। फिर हमारा जो आसपास ऐसा जो हरे चारा होता है, जो घास होता है, उसको काट के सूखा देना, या तो फिर आप पशुपालन करते हैं तो इस तरह से चारा बच जाएगा, उसको सूखा देना, या तो फिर हरे पे चलेगा, ये आप कर लेना। अब हम प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से एक लेयर, हम मोटी लेयर जो हरे घास चारा है उसको बिछाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखना है तो पूरा वीडियो देखना, तभी जो मैं भी जो आपको मैं समझाता हूँ वो आपको समझ में आएगा, तभी आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। क्योंकि बकरी की लीड से वर्मी कंपोस्ट बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र या तो फिर प्राइवेट ट्रेनिंग्स लेना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे किसान जो भाई जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो केंचुआ होता है मर जाता है, उसको उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होती, इसके लिए उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी चैनल पे आप फुल वीडियो देखिए, आप आराम से सीख जाएंगे। एक सीधे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, एक इसको सीख के आप वर्मी कंपोस्ट बनाने का बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ में आप खेती कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे किसान भाई को नहीं पता होगा, मैं आज कहता हूँ सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाला तो बकरी के लीड के वर्मी कंपोस्ट है। क्योंकि इसमें क्या हो गया, ज़्यादातर जो टेरिस गार्डन या फिर ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो उसको खरीद के लेके जाते हैं, इसके लिए उसको ज़्यादा प्राइस मिलता है। तो मैं आपसे कहता हूँ जो आप भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो आप बहुत सारे किसान भाई या तो फेंक देते हैं या तो फ्री में दे देते हैं, आप तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरा वीडियो फुल देखिए और अभी वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख जाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको आएंगे नहीं। क्योंकि इसमें जो बकरी की लीड में एक जहरीला गैस होता है जो हमारे केंचुए तुरंत मर जाते हैं, उसको ठंड पहले तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए जो पार्ट 1 में मैंने बताया था, जो बकरी की लीड है उसको नरम बनाने का और उसको मीठा। फिर इसमें जो मैं आपको समझाता हूँ वैसा थोड़ा ध्यान से समझे, मैंने नीचे जो हरे घास डाला है उससे क्या होगा, जो केचुआ जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो बकरी की लीड में एक गैस बनती है जिससे जो केचुआ मर जाता है, लेकिन इस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, नीचे जो हमारा हरे घास का चारा डालेंगे जिससे जो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है वो केचुओं को मिलती रहती है, तो उसको ये सब प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देख के आप करते जाइए। मैंने पहले लेयर में हरे घास का चारा ज़्यादा डाला था, फिर इसके ऊपर जो बकरी की लीड़ी उसके ऊपर एक लेयर डाल दिया हूँ, ज़्यादा नहीं, इससे 3 इंच या 4 इंच उसके ऊपर लेयर डालने का। फिर इसके ऊपर जो हमारा हरे घास का चारा है उसको भी वापस डालेंगे, जिससे ऑक्सीजन की प्रक्रिया केंचुओं को मिलती रहेगी और इसको भी खा के केंचुआ इसको भी वर्मी कंपोस्ट हमारा बन जाएगा, तो उससे हमारा डबल फायदा हो जाएगा। तो किसान भाई ये सारी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा।
अगर आप एक गलती करते हैं तो फिर मेरे को नहीं बोलना कि मेरा खेचवा मर गया, ये कि ऐसा क्यों हो गया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो किसान भाई, मैंने ऑर्गेनिक खेती का भी ट्रेनिंग लिया, साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी ट्रेनिंग लिया, क्योंकि मैं मुझे बहुत शौक है खेती करने का और साथ में ऐसा नए नए तरीके से प्रयोग करने का। तो इसके ऊपर हम 4 से 5 लेयर की ऊपर परत हम जो बकरी के लिए वापस उसके ऊपर डालेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप करते जाना, जैसे आपको बहुत सारे लोगों को पता चलेगी तो आप घर से आपको लेके जाएंगे जो वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ऐसी खाद बहुत जगह नहीं मिलती और सबको भी मालूम नहीं किस तरह से बनाया जाता। तो आज मैं पूरी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो थोड़ा ध्यान से देखो। तो दोस्तों, इसकी लेयर मैंने जो चौड़ाई है उसको 4 फुट रखा, फिर उसके ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ाने का, 2 से 2.5 फुट इससे ज़्यादा नहीं बनाने का। फिर हम उसके ऊपर जो हरी घास चारा है उसके ऊपर वापस एक लेयर डाल लेंगे, क्योंकि इससे डालने का जो केचवा हम डालेंगे तो उसमें क्या छुपे रहते हैं, इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाते रहेंगे और ज़्यादातर केचो को अंधेरे की ज़रूरत है, उसी में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट ये बनाते हैं और खाते हैं। तो हम पूरी प्रोसेस बताया, अगला वीडियो भी आपको नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बकरी के लिए ज़्यादातर जो हाड़ होती है उसको नरम कैसे किया जाता है, उसको ठंडा होता है, फिर उसमें वो मैंने कुछ ऐसा गुड़ मिला के उसको सारा बकरी के लेट जो है मैंने मीठा कर दिया, ताकि जो केचवा है बहुत तेज़ी से खाता है और अपनी केचवा की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। जैसे आपको कम केचवा डालेंगे तो भी आपको बहुत उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास केचवा नहीं है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए, फिर भी आपको केचवा नहीं मिले तो आसपास कोई वर्मी कंपोस्ट बनाता है उसी आप वर्मी कंपोस्ट की एक बैग ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की बैग में अंदर बहुत सारे केचुए के अंडे होते हैं, ऑटोमेटिक जो है वो अपना केचवा इसके अंदर आ जाएंगे, तो इतना ज़रूर कर लेना। फिर आपको 4 से 5 दिन तक उसमें पानी डालना है, फिर हाथ डाल के देखना कहीं ज़्यादा हीट तो नहीं है, अगर ठंडा है तो आप केचवा डाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो किसान भाई भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन, बाद में जब ठंडा हो जाएगा तब इस तरह से केचुए डाल देने का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।